ये है एस्टन मार्टिन DBX। ये एक फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है और ये पूरी मॉडिफाइड हुई हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंसडी का लोगो लिखा हुआ है। ये कंपनी है जिसने इस गाड़ी को पूरा मॉडिफाई किया हुआ है। कौन सी चीज़ें मॉडिफाइड नहीं है, जैसे स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन्स हैं वो मॉडिफाइड नहीं हैं, पीछे यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स हैं गियर चेंज करने के लिए वो सही है, मगर गाड़ी का जितना भी लेदर है ना, जितनी भी फैब्रिक है, सब चेंज्ड है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन पे भी इन्होंने अपना लोगो लगा दिया है, और इंटीरियर में जो ये हाईलाइटर ग्रीन और ब्लैक कलर का लेदर दिया हुआ है, ये सब मैंसडी का अपना है। इनफैक्ट ये जो कंप्यूटर का कंट्रोलर है उस पर भी जो लेदर है वो भी मैंसडी ने चेंज कर दिया, वो भी मैचिंग ग्रीन लगा दिया है। साथ में यहाँ पे आपको मर्सिडीज बेंज का कंट्रोलर मिलता है स्क्रीन के लिए। तो ये माउस है बेसिकली, आप इसको दबा सकते हैं, घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और इसको हिला भी सकते हैं। तो ये है इसका कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए आप जो है वो ही कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसके ऊपर एक टच पैड भी है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं पूरा मेन्यू नज़र आ रहा है आपको, बहुत सारी क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स हैं। तो ये बस ये आप नॉब घुमाएं और देखें, आप आराम से जो है वो पूरा मेन्यू स्क्रॉल कर सकते हैं। मेन्यू को इसे सेलेक्ट करना है दबा दें, और अगर कोई आइकॉन सेलेक्ट करना है तो ऑफकोर्स आप इसको राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हाथ घुमा भी सकते हैं। तो बहुत फीचर्स हैं इसमें, प्लस इसमें जो है शॉर्टकट्स भी हैं। जैसे होम बटन मैंने दबाया तो देखिए ये सारे मेन्यू आ गए। अब जो मैं इसको हिलाऊंगा राइट एंड लेफ्ट, तो ये आइकॉन्स जो है वो बताएगा कौन सा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एस्टन मार्टिन DBX बेसिकली दुनिया की सबसे लग्जरियस और सबसे पावरफुल और सबसे तेज़ फोर व्हील ड्राइव गाड़ियों में से है, और ये इसीलिए बहुत महंगी भी है। और प्लस ये पूरी मॉडिफाइड है, तो ज़ाहिर ये उससे भी कहीं ज़्यादा महंगी है नॉर्मल गाड़ी से। आप देख सकते हैं सीट्स पे भी जो मैंसडी के लोगो लगे हुए हैं, और पूरे जो डिज़ाइन है ये ग्रीन और ब्लैक, ये सब मैंसडी का अपना है। और इतफाक से इस गाड़ी में एक कार्ड भी रखा हुआ है रोड साइड असिस्टेंस का, कि अगर आपको रोड पर कभी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप 555 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। खैर, ये देखें कितना डिटेल्ड लेदर का काम हुआ है इस पर। एस्टन मार्टिन DBX एक्चुअली बहुत कम नज़र आती है, और इसमें जो लेदर है जो सीट्स पे, ये टू टोन है बेसिकली। इसमें ब्लैक कलर का कपड़ा चढ़ा हुआ है ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर, वो ब्लैक कलर कपड़े में थोड़ी सी जो है ना होल्स हैं, तो आपको नीचे से ग्रीन कलर का फैब्रिक भी नज़र आता है। तो इसीलिए ये गाड़ी और ज़्यादा महंगी, तकरीबन दुगनी महंगी है जितनी कि एक नॉर्मल DBX आती है। तो सारे एस्टन मार्टिन DBX अगर आप ख़रीदे जाएंगे तो आपको मिलेगी तकरीबन 9,17,000 दिरहम की। हाँ, अगर आप ये मैंसडी की बॉडी किट के साथ ख़रीदा जाएंगे तो आपको तकरीबन 18 लाख दिरहम की पड़ेगी। तो 18 लाख दिरहम में क्या क्या चेंजेस किए उन्होंने, बाहर के अगर आप चेंजेस देखें तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा बम्पर भी चेंज कर दिया है। जितना भी लाइट शेडेड ग्रे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये सब कार्बन फाइबर हैं, और ये अलग से लगाए हुए हैं गाड़ी के ऊपर। और इसी साथ जो है उसमें अगर आप हेडलाइट्स देखें तो वो तो अपनी है, वो उन्होंने चेंज नहीं किए, ये एस्टन मार्टिन की अपनी है। हाँ, बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो ऑफकोर्स बहुत चीज़ें चेंज की हैं इन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये जो है ना लाइनें भी दी हुई हैं उसी मैचिंग इंटीरियर के लाइट ग्रीन कलर की। ऑफकोर्स ये कार्बन फाइबर का मटेरियल बहुत महंगा होता है, ये एक्चुअली जहाज़ों में यूज़ होता है क्योंकि बहुत लाइट होता है, बहुत मजबूत होता है। प्लस मैंसडी ने इस गाड़ी में अपने पहिए भी दिए हुए हैं, अपने वो ब्रेक्स भी दिए हुए हैं। आप ब्रेक कैलिपर्स पर भी देख सकते हैं मैंसडी का लोगो है। ऑफकोर्स व्हील पर भी जो डिज़ाइन है और कलर है वो भी मैचिंग है। और यहाँ पे आप आते हैं तो साइड में ये विंग है वो भी उन्होंने कार्बन फाइबर में दिया हुआ है, और इस गाड़ी का नाम रखा है P800। वो क्यों है वो मैं आपको भी आप बताता हूँ। ऑफकोर्स इसका जो साइड का मिरर है वो भी चेंज किया हुआ है, उस पर भी जो है वो मैचिंग येलो कलर की लाइन है, और यहाँ पे मैंसडी का लोगो भी नज़र आएगा आपको। तो मैंसडी ने बहुत चीज़ें चेंज की इस गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी बिल्कुल इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। देखिए साइड स्कर्ट भी फुल कार्बन फाइबर का है, फिर पीछे भी आपको वही व्हील्स मिलते हैं, देख सकते हैं इसमें मैंसडी का लोगो है, ब्रेक कैलिपर भी मैंसडी का लोगो है, और पीछे का जो बम्पर है वो भी फुल कार्बन फाइबर का है। ऑफकोर्स इसमें जो एग्जॉस्ट पाइप्स हैं वो भी मैंसडी के अपने हैं। तो ऑफकोर्स ये गाड़ी बेइंतहा तेज़ होगी आवाज़ में, क्योंकि इन्होंने इंजन में भी काफ़ी काम किया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये इसकी लाइट है, और इसके साथ इन्होंने जो है बड़ा सा स्पॉइलर विंग भी लगाया हुआ है पीछे, और वो बिल्कुल बॉडी की शेप का ही है। जो पीछे की लाइट है वो भी कर्व्ड है थोड़ी सी, बिल्कुल जैसे एडवांटेज की स्पोर्ट्स कार में है वैसे ही टेल लाइट है इसकी सेम। और एक चीज़ उन्होंने की हुई है कि यहाँ पे छत के ऊपर भी इन्होंने बड़ा सा स्पॉइलर विंग लगाया हुआ है जैसे स्पोर्ट्स कार्स में होता है। तो इसमें जो इंजन है वो है एक मर्सिडीज़ का इंजन, 4000 CC ट्विन टर्बो V8 इंजन है, जो कि आपको AMG GT स्पोर्ट्स कार में मिलेगा। और मैंसडी ने उसको ट्यून किया हुआ है, तो वो अब बनाता है 800 हॉर्स पावर, नॉर्मल गाड़ी जो है वो बनाती है 550 हॉर्स पावर। तो ये सब बॉडी किट, इंटीरियर चेंजेस, ये इंजन अपग्रेडेशन, ये सब आपको मिलेगा तकरीबन 1.7 मिलियन दरम्स की, जबकि एक नई एस्टन मार्टिन DBX आपको मिलेगी तकरीबन 9,17,000 दरम की। इस मॉडिफाइड मैंसडी DBX की टॉप स्पीड है 325 किलोमीटर पर घंटा।